लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप जिस भूमि पर आए हो, जिस आश्रम में आए हो, जिस गुरुद्वार में आए हो, उस गुरुद्वार को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली हो कि आपको आश्रम के इस पवित्र वातावरण में दो तीन दिन रहने का सौभाग्य मिल पा रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों लाखों भक्त इस आश्रम में आकर इस व्यास गादी पर मत्था टेकते हैं। भगवान देवी देवता भी जिन गुरुओं के दर्शन और चरणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उस आश्रम में आने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहमदाबाद से भी बाल संस्कार विभाग से हमारे पंकज भाई और कई भाइयों के देखरेख में, निरीक्षण में आप सबका ये परीक्षण, ये आपकी शिविर चल रही है। सो आप सबको भी और सभी सेवाधारियों को, बहनें भाई इस शिविर में जो सेवा दे रहे हैं तन मन धन से, उनको भी और आश्रमवासी भाइयों को भी जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था बनाई, हमें तीन दिन की शिविर का अवसर दिया, आश्रम के व्यवस्थापक सभी आश्रमवासी भाई को भी नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं आप सबको। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदया। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदया। एक बीज गायत्री मंत्र भी है, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। ये भी याद नहीं रहता है तो गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ये भी आ जाए तो अच्छी बात है, बीज गायत्री मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात, आदित्याय विद्महे सूर्य मंत्र आता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और कुछ ये नहीं आ रहा है अभी तो ये भी बोल ले, सब आता है तो सबके सब एक एक दो दो बार बोल लिया। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मरीचये नमः, ओम सूर्य सवित्रु श्री सूर्य नारायणाय नमः। और कुछ भी ना आवे तो कहने का, हे भगवान सूर्य नारायण देव, मंत्र आप बोल लो, जल में चढ़ा दो, इतना तो होता है ना। और आप तो पढ़ाई करते हो, चट से याद रह जाए, जीभ को तालू में लगा के याद करोगे, और जब भी कोई अच्छी बात आ रही और याद हम भूल ना जाएं, ऐसा लगता है कि कोई अच्छी बात या मंत्र या हमारे जीवन उपयोगी कोई बात आ रही है भूल ना जाएं, तो उसके लिए तुरंत जीभ को तालू में लगा के फिर सुनो, तो फिर वो आपकी हो जाएगी, कोई नहीं ले सकता आपसे। आप कुछ सुन भी रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, और सुनते सुनते कोई ऐसी बात आ गई कि ये हमारे उपयोगी है, तो हम तुरंत जीभ को गोल घुमा के ऊपर जो खड्डा है वहाँ तालू में लगा दें जीभ को, फिर आपकी हो गई। इससे बहुत लाभ होता है, भक्ति भी बढ़ जाती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है, याद शक्ति में बढ़ोतरी होती है, तबीयत अच्छी रहती है, मन पवित्र रहता है, इंद्रियां संयमित हो जाती है, एकाग्रता का प्रसाद मिल जाता है। अब मैं कितना गिनवाऊँ आपको, बहुत 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 लाभ होता है। इसको क्या, कौन सी मुद्रा बोलते हैं बच्चे? ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। भगवान शिव जी भी करते थे ये मुद्रा,
भगवान राम जी भी करते थे ये मुद्रा, भगवान कृष्ण भी ये मुद्रा प्यार से करते थे, और हमारे गुरु जी भी इस मुद्रा को करते हैं और हम सबको भी सिखाते हैं, करवाते हैं। इसके लाभ अद्भुत हैं।